an adult sucks. How are you guys? I hope everyone is doing good. I hope you guys staying safe. मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत भागा दौड़ी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पैक करना है और मुझे मम्मा पापा के घर पे शिफ्ट होना है, क्योंकि शुभांकर इज ऑन अ वर्क ट्रिप फॉर 10 days. बट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे, सो मैंने सोचा जो तुम लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए. सबसे पहले आई थिंक आई नीड टू टेक अ शावर, आई नीड टू गेट रेडी, और यहाँ से अगर मैं निकल गई ना, मेरा डे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ईजी है. सो आई विल सी यू गाइस. सबसे पहले हम लोग गए पापा के लिए एक नया ऑफिस स्पेस देखने के लिए. अगर किसी को नहीं पता है तो माय डैड डज करियर काउंसलिंग. ऑफिस स्पेस फाइनलाइज हो गया है, अभी उसको सेटअप करना है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज द स्पेस लुक्स ब्यूटिफुल. उसके बाद हम लोग गए एक मिनी बुक फेयर में दिल्ली हाट पीतमपुरा में जो लगा था. They had such an amazing collection of crime and thriller novels, but sadly, I am not very into crime and thriller novels, जिसके वजह से मुझे एक भी बुक नहीं मिला. बट मुझे उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दैट उन लोगों के पास दो साइजेस के बॉक्स थे, 1500 का और आई थिंक 2500 या 3000 का, इतना बड़ा बॉक्स. बेसिकली यू हैव टू पे फॉर दैट बॉक्स और उस बॉक्स में तुम जितने बुक्स डाल सकते हो वो सब मतलब उसमें इंक्लूडेड है. मैं मोटी 10 बुक्स डालू तो भी वो 1500 में आ जाएंगी, या फिर अगर मैं एकदम पतली 30 बुक्स भी डालू तो भी वो 1500 में आ जाएंगे. आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एंड आई रियली वॉन्टेड टू शॉप बट इट इज वॉट इट इज. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक ब्रेक लिया एंड देन आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम अमेजोन. मुझे कार्ड रीडर चाहिए था क्योंकि मेरे सारे कार्ड रीडर ऐसे टूटते हैं, बट आई ऑर्डर्ड दिस एंड इट लुक्स सो नाइस. छोटा सा हार्ट अटैक मिला स्टार्ट में क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूँ, बट ऑफकोर्स आई फिगर इट आउट. उसके बाद हम लोग गए होम सेंटर क्योंकि हम लोगों को फर्नीचर थोड़ा सा फिगर आउट करना है डैड के ऑफिस स्पेस के लिए, प्लस ENT के पास क्योंकि मेरा कान बहुत दर्द हो रहा है. एंड या दिस वॉज माई एंटायर डे. इट वॉज अ वेरी नॉर्मल बोरिंग डे बट आई फील रियली हैप्पी दैट आई व्लॉग्ड इट, क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ एंड इट जस्ट फील्स सो नाइस. बट ऑनेस्टली वॉट मैटर्स इज दैट यू गाइज फील नाइस while watching this, because honestly I think the end goal is that you guys enjoy whatever we put across. So let me know in the comment section down below if you had fun, if you enjoyed. Also mujhe ek bahut bahut special memory bhi share karna hai. Ek week pehle Kaneki had his first brand shoot and this is how it went. इसको ब्रांड का वो क्या है भाई, है कौन है स्टार, कौन है? अच्छा अभी कैमरे से शाइन नहीं होता, सीधा कैमरे पे घुस के आया हीरो बन रहा है तो. थैंक्स टू विशाल इतना पेशेंस के साथ शूट करने के लिए. चलो चलो कमा के लेके आओ. ना बड़ा बिस्तर मिला उसको है, बड़ा तो हमारे पास भी नहीं है भाई. भाई या तो तू बैठ ले तेरे बेड पे या तो मैं बैठ रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे बेड पे चिल करने की. बहुत ही अच्छा है भाई ये तो. उठो, बड़ा परेशान कर रहा है, कमाना चाहता नहीं है, लफंगा बन रहा है. पूरे दिखा दो. फिर नहीं आएगा तेरे. हाँ नहीं आएगा. हाँ तेरे कैमरे में देखेगा तो पैसा कमाएगा. प्रॉब्लम क्या है, इतना अच्छा तो ये देख. ये देख कितना अच्छा है भाई. भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं है भाई, इतना मुलायम तो मेरा भी बेड नहीं है. मेरे पास बड़ा सा बेज कलर का डॉगी है. ये देख, ये देख, ये देख.
I am honestly so proud. But yeah, this was my day. Don't forget to like, share, subscribe, do your thing. And don't forget to comment down below if you had fun. And also, if you guys have some suggestions on what you would actually like to see, wo bhi comment section mein. Yep. I think this is it. Thank you for hanging out with me. I love you guys. Bye.